नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फिश एक लकवे पेशेंट के अंदर हेल्प करती है उसकी रिकवरी करने में। अक्सर जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, तो पेशेंट को कई सारी मेडिसिन दी जाती है। उन मेडिसिन के साथ साथ कई टाइप के मल्टीविटामिन भी पेशेंट को दिए जाते हैं। ये विटामिन इसलिए दिए जा रहे होते हैं कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सके। और अक्सर ये विटामिन होते हैं विटामिन B12, विटामिन डी, क्योंकि ये दो ऐसे बड़े विटामिन हैं जो हमारे नर्व्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर हम इन्हें सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे होते हैं। मगर हमारे खाने पीने के अंदर अगर हम अपना खाना पीना ठीक कर लेते हैं तो हमें इन सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कभी जब हम कोई मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसमें कुछ विटामिन होते हैं और कुछ नहीं होते। तो क्या होता ये है कि हमारे कुछ विटामिन तो पूरे हो जाते हैं, कुछ की डेफिशिएंसी बॉडी में तैयार हो जाती है और हमें क्या देखने को मिलता है कि वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते जितना हमारा खाना कर पाता है। तो हमारे खाने पीने की अगर हम बारे में बात करें तो हमारे खाने पीने को अगर हम ढंग से रखते हैं तो उसमें सब टाइप के आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। बट पैरालिसिस के पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसने खाना क्या है। और अक्सर हम एक कॉमन सी चीज़ देखते हैं कि जब एक कभी पैरालिसिस का पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है, हम उनसे पूछते हैं कि आप खाने में क्या खा रहे हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर ने बोला होता है कि आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने फैट नहीं खाना, आपने नमक कम रखना है। तो अक्सर पेशेंट अपने खाने को बहुत खराब कर देता है। वो घिया तोरी टिंडा खिचड़ी जैसी चीज़ों पे रह रहा होता है। जब हम घिया तोरी टिंडा खिचड़ी और ऐसी लाइट टाइप के फूड पे रह रहे होते हैं तो पेशेंट अपना वेट लूज करना भी स्टार्ट कर देता है, कमज़ोर होना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी में डेफिशिएंसीज तैयार हो जाती हैं। तो हमने पहला ध्यान क्या रखना होता है लकवे के मरीज के अंदर कि उसका जो खाना पीना है इस तरह से रखा जाता है कि उसकी पूरी बॉडी को, उसकी मसल्स को, उसकी बोन्स को, उसकी नर्व्स को ताकत मिले। तो ऐसा कुछ खाना हमारे में क्या है, क्या हम उसको दे सकते हैं? तो अक्सर ऐसा खाना हमें मिलता है वो है फिश। अगर कोई पेशेंट फिश का इंटेक ज़्यादा करता है, मान लो कि एक पेशेंट आया, बंगाल से पेशेंट आ रहा है कि मेरे को पैरालिसिस हुआ है, हमारा ट्रीटमेंट शुरू करो, तो उन पेशेंट के अंदर रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है क्योंकि उनकी डेली डाइट के अंदर फिश होती है। अब फिश के बारे में बात करें, फिश जो होती है वो वाइट मीट होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी कम होती है। इसी तरह से जो एग्स होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती अगर हम उसका येलो पार्ट निकाल दें तो। तो जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप चाहे पूरा टाइम मत लीजिए नॉनवेज, बस थोड़ा सा नॉनवेज अपने डाइट में ज़रूर डालिए और उनमें सबसे ऊपर आती है फिश, क्योंकि फिश एक ऐसी फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है। अगर आप उसे खाते हैं तो आपको पता है कि खाते ही आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होनी शुरू होती है, आपकी मसल्स में पावर महसूस होनी शुरू होती है, आपका विटामिन डी कभी डेफिशिएंट नहीं होता, आपका विटामिन B12 डेफिशिएंट नहीं होता और आपकी नर्व्स को इतनी ताकत मिलती है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है तो तेज़ी से रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से जो पेशेंट फिश नहीं लेते वो एग्स ले सकते हैं क्योंकि एग्स के अंदर भी काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है। मगर जो पेशेंट प्योरली वेजिटेरियन है उनके साथ हमें दिक्कत होती है कि उनको हम क्या बताएं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप वेजिटेरियन पेशेंट भी हैं तो किस तरह से अपनी डाइट को सुधार कर आप अपनी बॉडी में रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने सबसे पहला ध्यान रखना है कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा आपने बढ़ानी है। और वेजिटेरियन प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है दूध और दूध की बनी हुई आइटमें और दालें, मशरूम। तो अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है जो प्योरली वेज है, जो फिश नहीं ले सकता है, जो एग्स नहीं ले सकता, तो उसको अपनी सबसे पहला काम करना चाहिए कि गाय की दूध की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है। इसमें सिर्फ विटामिन सी की कमी होती है, बाकी सारी चीज़ें इस दूध के अंदर में मिल जाती हैं। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाइए। दिन में 3 बार कोशिश कीजिए कि आप दूध लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप गाय का लें, क्योंकि गाय और भैंस के दूध में फैट कंपोजिशन का फर्क होता है। भैंस के दूध में फैट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, गाय के दूध में नहीं होता, और कोलेस्ट्रॉल एक सबसे बड़ा कारण होता है पैरालिसिस का। तो हम क्या करेंगे, हम दूध तो लेंगे बट गाय का लेंगे जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखना है, दालें। अब दालों में से दालें नहीं आती, सिर्फ मूंग की दाल नहीं आती या फिर चने की दाल नहीं आती, सारी जितनी भी दालें हैं आप सारी की सारी दालें ले सकते हैं। आप छोले, राजमा, काले चने, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं क्योंकि इन दालों के अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी को चाहिए होंगे। हम जितना ज़्यादा इसका इंटेक करेंगे उतनी ज़्यादा ताकत हमारी बॉडी में जाएगी और हमारे ब्रेन को रिकवरी करने में हेल्प मिलेगी। तो हमने
इनको अपनी डाइट में ऐड करना होता है। तो जब हम दालें ऐड कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से हमारी जो सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, घिया तोरी पर, ये सब निकल जाता है और उसकी जगह पर दालें आ जाती हैं। अगर आपको कोई सब्जी खाने का मन भी है, मालूम मेरा मेथी खाने का मन है, तो मेथी को डायरेक्ट ऐसे मत खाओ, मेथी के साथ दालों को मिक्स कर लो तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने डाइट के अंदर, वेजिटेरियन डाइट में बहुत ध्यान देना होता है, आपने अपनी डाइट के अंदर दालों को बहुत ज़्यादा ऐड करना होता है। फिर चाहे वो आप सोया करो, चाहे आप वो राजमा करो, छोले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन के अंदर रखो, कोई एक दाल रोज रोज मत खाओ, उसे बदलते बदलते खाते रहो तो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छी ताकत मिल जाती है। इसी के साथ साथ मशरूम्स जो होते हैं, मशरूम्स भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मशरूम के अंदर क्या है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो इनका इनटेक कर भी आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हो। तो वेजिटेरियन के साथ थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम दाल भी देते हैं, मशरूम भी देते हैं, दूध भी देते हैं, तो भी वो फिश या फिर एग्स को टक्कर नहीं दे पाते न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर, तो उनमें हमें थोड़ी सी रिकवरी स्लो देखने को मिलती है। वहीं पर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट के अंदर, जो आराम से फिश खा लेते हैं, एग्स ले लेते हैं, उनके अंदर हमें रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम फास्ट रिकवरी चाहते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, तो अपनी डाइट को थोड़ा सा सुधार जरूर करना है। अगर हम जो अब तक गलतियां करते आ रहे थे अपने खाने पीने के अंदर, उन्हें बंद करना है। खाने के अंदर हमने हो सके तो नॉनवेज को ऐड करना है, ऐसी चीज़ों को ऐड करना है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े और हमारे शरीर को ताकत भी मिले। और उनके दो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप अब कुछ पैरालिसिस के पेशेंट से मिलिए और उनकी रिकवरी देखिए, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी 7 मार्च। 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है, कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम जरूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ही हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियाँ थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो अब जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था, मुड़ा रहता था, अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है, चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती। उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम कम आया है। ठीक है, आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। देखिए, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है, आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन नहीं के अंदर, ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा।
साइंस इंजीनियरिंग के जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हूँ? बहुत बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना? अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? उतर नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस संजीवनी में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। अधिकांश डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरोसर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि मैं 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश हमारी ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है? अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफी अच्छी हो जाती है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या खाने पीने में? रोटी जो घर वेजिटेरियन है, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी, नेनुआ की सब्जी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल? चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? दो घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटा इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फर्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी, ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्किंग सर्विस और दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी, ट्रेडमिल चलाते थे। सब ट्रेडमिल चलाते थे, अब स्पेस पूरा हो गया। बारिश का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार 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 करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 99% जो हाँ वो हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर से फिर चालू हो जाएगा, अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा, रोज पानी पड़ जाता है,
मॉर्निंग वॉक से हमको ज्यादा फायदा हुआ। हाँ। तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट की जरूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट हेल्प करता है, किस तरह से आपने खाने पीने में ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी होती है, रिपीटेशन करनी होती है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको और फर्दर वीडियोज मिल जाएंगी, एक्सरसाइज की भी मिल जाएंगी, पैरालिसिस की बाकी पेशेंट्स के भी आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा, धन्यवाद। तो आपने खुद देखा पैरालिसिस आपका बहुत पुराना हो सकता है, हो सकता है कि उसमें आपको रिकवरी देखने को ना मिल रही हो सकता है कि आपको उम्मीद ना हो कि आप ठीक हो सकते हैं, मगर अगर हम सही तरीके से खाना लेते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और सही तरीके से अपनी मेडिसिंस को फॉलो करते हैं तो पहले महीने के अंदर ही आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि उसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई। जो हाथ पहले नहीं उठता था, जो पैर नहीं चलता था, जो आवाज़ साफ नहीं थी, जो आप में बचकानापन आ गया था पैरालिसिस के बाद, जिसमें आपको गुस्सा बहुत आता था, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं जब हम सही तरीके से अपनी बीमारी पे काम करना शुरू करते हैं। और बीमारी कभी भी आपके हाथ पैर की नहीं होती, बीमारी हमेशा पैरालिसिस आपके ब्रेन के अंदर है, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था और ब्रेन के अंदर ही नस फटी थी। अगर आप पैरालिसिस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं ना उसको एक बार पूरा गो थ्रू हो जाइए। उसमें आपको और पेशेंट देखने को मिलेंगे, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से बेनिफिशियल होगी, आपको उसको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। और जब ज्ञान होता है तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Now you can share your reports with us via WhatsApp and get free consultation with our experts.